la 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 lonely, la 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 lonely, I don't wanna be, la 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 lonely, la 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 lonely, la 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 lonely, I don't wanna be. Hi friends, welcome to my new video. फर्स्ट वाटर मेट्रो सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया में पानी के ऊपर चलने वाला मेट्रो स्टार्ट हुआ है। जो स्टार्ट हुआ है वो है बहुत ही एक खूबसूरत स्टेट जिसका नाम है केरला। केरला का जो कोची है, जो कोची है, कोची पोर्ट में पहली बार वाटर मेट्रो चालू हुआ है। जो वाटर मेट्रो है उसका सवारी करने के लिए मैं गया था, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि जो वाटर मेट्रो है वो ओपन कब हुआ और इसका ओपनिंग टाइम कब है, इसके बाद उसका टिकट प्राइस कितना है, वो कहाँ से कहाँ तक एवरीडे सवारी करता है, और आप लोगों को कैसे टिकट ख़रीदना है और कितना प्राइस है टिकट का। तो चलिए आज जो वाटर मेट्रो है उसका सफारी करते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। जो कोची पोर्ट है उसका जो टर्मिनल है, दो टर्मिनल है, एक है हाई कोर्ट बीपीएन टर्मिनल और एक है भट्टीला ककंडन टर्मिनल। वो दो टर्मिनल से आप लोग जा सकते हैं, एक टर्मिनल से और एक टर्मिनल में लाके छोड़ता है। जो उसका टिकट है आप लोग ऑनलाइन पे भी ले सकते हैं, इसके बाद जाने के बाद आप लोग चाहे तो उधर से भी ले सकते हैं। जो टिकट है उसका प्राइस भी है ओनली 30 रुपीज़। जो टिकट प्राइस है वो 20 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ तक होता है। अगर आप लोग कोची पोर्ट जो मेरिन ड्राइव की तरफ से आप लोग अगर जा रहे हैं तो आप लोगों को 30 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अगर आप लोग जो काकाना टर्मिनल है उधर से आप लोग अगर आएंगे तो आप लोगों को 20 रुपीज़ में या फिर 25 रुपीज़, कभी कभी टिकट का प्राइस 30 रुपीज़ तक ही जाता है उधर में, बट इधर से थोड़ा ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इधर में बहुत सारा लोग इधर से जाता है। अगर आप लोग टिकट खरीदने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा एक कार्ड मिलेगा जिस कार्ड में आपको अगर जितना चाहे इतना लोगों का एक ही कार्ड होता है, इसमें आप लोग चाहे तो 10 आदमी भी एक ही कार्ड से आप लोग सवारी कर सकते हैं। तो हम लोग 3 आदमी था तो 3 आदमी के लिए एक ही कार्ड में 3 आदमी का हो गया था, तो एक एक करके उन लोगों के पास कार्ड दे दिया था, तो एक एक करके उन लोगों ने हम लोगों को पास दिया था। इसके बाद जो है उसके बाद अंदर जाके बहुत टाइम बैठना पड़ता है क्योंकि जो नया मेट्रो चालू हुआ ना, इसलिए बहुत लोग एंजॉय करने के लिए इधर आते हैं, और जो कोची का लोग है या फिर केरला का लोग है वो भी आ रहा था इधर, बहुत ही ज़्यादा लोग हो रहा था। तो इसके बाद फाइनली मेरे को 20 मिनट के बाद अंदर जाने का मौका मिला था। तो मैं अंदर जाके जो मेट्रो का है उसको मैं देखा, तो उसका जो कलर था या फिर उसका जो मतलब डिज़ाइन था मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया था जो इलेक्ट्रिक मेट्रो था। तो फाइनली मैं मेट्रो के अंदर भी पहुंच गया था। पहुंचने के बाद देखा था कि इसके अंदर जो मेट्रो का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगभग बनाया गया था, बट इसके अंदर जो सीट कैपेसिटी है उसके अंदर ओनली 100 लोगों की बैठने की जगह है इसके अंदर। तो मेरे को, मैं लास्ट में गया था तो मेरे को सीट नहीं मिला था इसके अंदर बैठने के लिए, तो मैं खड़ा होके ही पूरा वीडियो किया था। तो उसके अंदर जो बहुत ही रश था, मतलब बहुत आदमी था उसके अंदर। तो फाइनली जो वाटर मेट्रो है वो स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के बाद ही जो सेफ्टी गार्ड कैसे पहना जाता है वो फुल हम लोगों को दिखाया दिया था एक डिस्प्ले में। तो क्योंकि जो वाटर मेट्रो है वो पानी के ऊपर चलता है तो उसका रिस्क भी होता है ज़्यादा जो पानी के ऊपर चलता है इसलिए। तो और जो वाटर मेट्रो है वो फुल्ली एयर कंडीशन था अंदर। जो वाटर मेट्रो उसके अंदर आप जाएंगे तो जाने के बाद जो मेट्रो का मेन कमरा है उसको टोटली लॉक किया जाता है क्योंकि वो एक एसी कमरा है, इसलिए उसको टोटली लॉक किया जाता है। फाइनली जो मेट्रो चलने लगा था, तो चलने के बाद जो बाहर का नज़ारा है
वो तो और क्या बोलो, इतना खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप लोग कभी कोची पोर्ट में आए हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कोई यहाँ का नज़ारा हमेशा कैसा रहता है और कितना सुंदर रहता है। बट जो को मेट्रो है, मेट्रो के अंदर से जो ग्लास है, ग्लास से उसका जो नज़ारा था और भी खूबसूरत लग रहा था। अगर आप लोग कोची में आए हैं या फिर कभी घूमने आ रहे हैं तो मेट्रो से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लोग चाहे तो बोट भी ले सकता है। जो बोट है उसका रेट थोड़ा बहुत हाई रहता है और जो मेट्रो बहुत ही चीपली होता है। अगर आप लोग बोट ले रहे हैं तो बोट लेने के बाद जो कोची पोर्ट का वेदर है, वेदर में बहुत ही हवा चलता है और हवा का आनंद भी ले सकते हैं। अगर मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो फुल्ली एयर कंडीशन है, तो इसलिए आप लोगों को मतलब उसका हवा का मज़ा नहीं ले पाएंगे, बट इसका जो सुंदरता है उसका मज़ा आप लोग जरूर ले पाएंगे। और अगर मेट्रो की बात किया जाए तो जो उसका टाइमिंग रहता है, उसका जो टाइमिंग है वो लगभग मॉर्निंग 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग जो है, इवनिंग क्लोजिंग टाइम जो होता है वो 7 बजे के बाद ही उसका जो क्लोज है, क्लोजिंग टाइम होता है मेट्रो का। और अगर आपको लोकल बोर्ड लेना है, लोकल बोर्ड ऑल टाइम ही चलता है। और अगर आपको मैं अल्ट्रा मेट्रो की बात करूं तो जो अल्ट्रा मेट्रो है वो लगभग हर दिन 34,000 पैसेंजर होता है इस अल्ट्रा मेट्रो में। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही रश होता है। अगर अल्ट्रा मेट्रो का हॉलीडे की बात किया जाए तो उसका कोई हॉलीडे नहीं है, आपको एवरीडे आपको उसका मज़ा लेने का आनंद मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहे किसी भी टाइम पे आके इसको आप मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 7 बजे के अंदर आके इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ऑयटर मेट्रो का मज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप लोग बाहर से हैं तो आप लोगों को मैं बोल दूँ कैसे आना है और कहाँ पे आके, कितना डिस्टेंस में आके, किधर में आके आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगा, मेट्रो मिल जाएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग बाहर से फ्लाइट से आते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप लोग कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरते हैं तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो कोची पोर्ट है उसका डिस्टेंस है लगभग 28 किलोमीटर। तो आप लोग चाहे तो उधर से टैक्सी भी मिल जाता है, चाहे आप लोग बस से भी आ सकते हैं, अगर चाहे तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो जो कोची का है, कोची का जो नज़दीकी ट्रेन है वो है एर्नाकुलम जंक्शन। तो आप लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो एर्नाकुलम जंक्शन में उतरने के बाद आप लोग चाहे तो ऑटो भी आता है, बस भी आता है, बस हर टाइम अवेलेबल रहता है, तो टैक्सी भी आपको लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा इधर में। तो आप लोग चाहे किसी भी तरह आप इधर आ सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है। जो ऑयटर मेट्रो है उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो लगभग 2016 के आसपास स्टार्ट हुआ था और उसका जो काम ख़त्म होने का टाइम था वो था लगभग फेब्रुआरी 2021। लगभग उसको बनने में 5 साल जैसा टाइम लिया था। तो उसका जो फाइनली लोगों के लिए ओपन किया गया था वो किया गया था 25 अप्रैल 2023 को, और उसका जो उद्घाटन था वो किया था हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आके उसका उद्घाटन किया था कोची में। अगर ऑयटर मेट्रो की बात किया जाए, जो ऑयटर मेट्रो है उसका जो प्रोजेक्ट है वो माना जाता है कि बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है। अभी जो ओनली स्टार्ट हुआ है और भी ओनली 2 ही स्टेशन उसका अवेलेबल है, हाईकोर्ट बिपिन टर्मिनल टू भट्टिला काकन्नड टर्मिनल, ये 2 ही टर्मिनल अवेलेबल है। और ये 2 टर्मिनल में अंदर ही आपको 10 आइसलैंड जैसा आपको मिल जाएगा। जो ऑयटर मेट्रो है उसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लगभग ख़त्म होने में 2035 तक लग सकता है।
अगर 2035 तक लग सकता है, इसके बाद अगर ख़त्म होता है तो माना जाता है कि हर दिन 1 लाख से 1.5 लाख पैसेंजर जो एयरट्रेन मेट्रो है उसमें सवारी करेगा। तो आप लोग सोचिए जो एयरट्रेन मेट्रो है उसका जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा है। अभी ओनली 10 आइसलैंड ही आप लोग देख सकते हैं, तो फ्यूचर में अगर पूरा फुलफिल हो जाएगा तो सोचिए आप लोग जो कोची है और कोची का जो पोर्ट है, पोर्ट में जितना आइसलैंड है सबका मज़ा आप लोग ले सकते हैं। तो अभी 2 ही ओनली चालू हुआ है जो एयरट्रेन मेट्रो है, तो 2 जो चालू हुआ है उसका मज़ा ही आप लोग आके ले सकते हैं। तो लेने के बाद देखिए जिसका जो है उसका मज़ा कैसा लगता है। जो एयरट्रेन मेट्रो है वो तो इंडिया का फास्ट एयरट्रेन मेट्रो है जो पानी के ऊपर मेट्रो चलता है। इसका अंदर से जो बाहर का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था अगर आप लोग आके एक बार देखेंगे तो आप लोग बोल पाएंगे कि वो कितना खूबसूरत एक पोर्ट है और कितना खूबसूरत खूबसूरत आइसलैंड है। जो खूबसूरत खूबसूरत आइसलैंड देखने के देखते देखते मैं पहुंच गया था दूसरा जो जंक्शन था, दूसरा जंक्शन में। दूसरा जंक्शन में जाने के बाद जो मैं देखा उधर में इतना आदमी नहीं था। मैं जिस जंक्शन में उठा था उस वहाँ पे बहुत ही मेरे को लगभग 20 मिनट जैसा वेट करना पड़ा था, बट दूसरा जंक्शन में इतना आदमी नहीं था। और यहाँ का जो टिकट प्राइस था वो भी बहुत कम था, ओनली 20 रुपीज़ था। और इधर से जाने के लिए बहुत ही आपको मतलब जल्दी आप लोग जो मेट्रो है मेट्रो का सवारी कर सकते हैं। और दूसरा जंक्शन से आप लोग चाहे तो जो वास्को डा गामा है, वास्को डा गामा को भी आप लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। और वास्को डा गामा में जाने के लिए जो शिप है, शिफ्ट के अंदर गाड़ी, इसके बाद जो लोग, इसके बाद बाइक, सब वास्को डा गामा में जो शिप है शिफ्ट के अंदर से जाता है। और जो शिप है शिप का प्राइस भी ओनली पर पर्सन 3 रुपया करके लेता है, वो जो गवर्नमेंट का शिफ्ट होता है इसके लिए ओनली 3 रुपीज़ करके आप लोग वास्को डा गामा को भी एंजॉय कर सकते हैं। और जो वास्को डा गामा में जाने के टाइम पे जो वेदर है या फिर जो समुंदर है, समुंदर का जो किनारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो इसके बाद मैं वास्को डा गामा के आने के बाद मैं फिर से एयरट्रेन मेट्रो लेके जो मेरिन ड्राइव है, मेरिन ड्राइव में जाने वाला था। तो उसी टाइम पे भी देखा था कि इधर में ओनली लोग बहुत कम था, ओनली 20 रुपीज़ में आपको जो एयरट्रेन मेट्रो है मेट्रो का टिकट भी मिल चुका था। यहाँ पे भी सेम मेरे को एक कार्ड दिया था, कार्ड में 3 आदमी को लोड करके दे दिया था और 3 आदमी एक ही कार्ड से हम लोग जा रहा था। तो दोबारा जब मैं मेट्रो में जाने वाला था उसी टाइम पे जल्द ही मैं मतलब मेरे को वेट नहीं करना पड़ा था, तो मैं जल्दी ही जो एयरट्रेन मेट्रो है उसकी तरफ मैं पहुंच गया था। जो पहुंच गया इसके बाद देखा था कि जो एयरट्रेन मेट्रो है इसके अंदर इतना आदमी नहीं था, तो मेरे को जो बैठने का जगह था वो इजीली मिल गया था। तो मैं लास्ट में भी नहीं गया था क्योंकि मैं जल्दी जाके बैठने के लिए एक्साइटमेंट था, तो बैठने के बाद कैसा फील होता है वो भी मैं देखना चाहता था। तो इसके लिए मैं जाके जल्दी जो साइड है साइड में जाके बैठ गया था। बैठने के बाद जो मैंने देखा था बाहर का नज़ारा, वो बाहर का नज़ारा जो था वो जो आइसलैंड है उसी आइसलैंड आने के टाइम पे जो आइसलैंड था उसी से जो दूसरा आइसलैंड था वो था वास्को डा गामा का फूल आइसलैंड, जो एक बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड था। जिस वास्को डा गामा, जो वास्को डा गामा का आइसलैंड है वो भी आप लोग इसी मेट्रो से एंजॉय कर सकते हैं। आने के टाइम पे जो मैं दूसरा साइड में बैठा था, तो जो जाने के टाइम पे मैं दूसरा साइड में बैठ के जो उसका पूरा नज़ारा जो है उसका मज़ा ले रहा था, तो मेरे को इतना सुंदर लगा। जो कोची पोर्ट है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आप लोग अगर बाहर से हैं तो प्लीज़ एक बार आके कोची पोर्ट को एंजॉय कीजिए, जो एयरट्रेन मेट्रो है उसको एंजॉय कीजिए। तो अगर आप लोग भी जो केरला है, केरला का बाहर से रहने वाले हैं, तो प्लीज़ आइए आके जो कोची पोर्ट है उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप लोग इंडिया का बाहर है और इंडिया का बाहर का आदमी अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार आके इंडिया को विज़िट कीजिए। और इंडिया में अगर आ रहे हैं तो इंडिया का जो केरला है
केरला को एक बार आप लोगों को विजिट करना ही चाहिए। जो केरला है इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, और जो कोची पोर्ट है वो तो एक बहुत ही खूबसूरत पोर्ट है, और जो एयरटेल मेट्रो है वो भी इंडिया में फर्स्ट टाइम मेट्रो चालू हुआ है। तो जिसको मेट्रो चलने का बहुत ही शौक है वो लोग भी आके जो एयरटेल मेट्रो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग एयरटेल मेट्रो का मज़ा लेना चाहते हैं तो आइए आके जो एयरटेल मेट्रो है उसका मज़ा लीजिए, और जो बाहर का नज़ारा है एयरटेल मेट्रो से, जो पानी वगैरह का नज़ारा है उसका भी मज़ा लीजिए, क्योंकि जो एयरटेल मेट्रो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में है। तो आप लोगों को ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए एयरटेल मेट्रो का, और जो लोग मेट्रो चलने का बहुत शौकीन है उन लोगों को तो एक बार ना एक बार आके उसका मज़ा लेना ही चाहिए। अगर आप लोग जो एयरटेल मेट्रो है उसके अंदर से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं जब गया था उसी टाइम पे इतना बारिश भी नहीं हो रहा था, वैसे केरला में बहुत हर दिन ही बारिश होता है ऐसा माना जाता है, और केरला में सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है चेरापुंजी के बाद। तो आप लोग उसी दिन अगर वेदर अच्छा रहेगा तो आप लोगों को भी जो बाहर का नज़ारा है वो फुल फील देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब मैंने दूसरा स्टेशन से मेरिन ड्राइव की तरफ जा रहा था उसी टाइम पे जो बाहर का नज़ारा था जो मेट्रो से देख रहा था, इसके बाद देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसको अगर आप पूरा घूम लेंगे तो पूरा दुनिया घूमने के बराबर हो सकता है। अगर आप लोग घूमना चाहते हैं, आप लोग बहुत ही एंजॉयफुल आदमी हैं, तो आइए आके इसको एक बार घूमिए। जो इंडिया का कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट को एक बार ज़रूर आपको घूमना चाहिए अगर आप घूमने का शौकीन है या फिर घूमने में आपको बहुत ही मज़ा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बोलिए। और जो एयरटेल मेट्रो है वो फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी मेट्रो है, जो इलेक्ट्रिसिटी से फुल मेट्रो को चलाया जाता है। जो एयरटेल मेट्रो है उसका जो दूसरा स्टेशन है, दूसरा स्टेशन से मैं जब मेरिन ड्राइव की तरफ जा रहा था उसी टाइम पे जो नज़ारा था वो भी बिल्कुल खूबसूरत था। और जब मैं जाके मेरिन ड्राइव की जो स्टेशन है उसमें जब उतर था तब मैं देखा था कि अंदर कुछ लोग बैठा हुआ था, क्योंकि बहुत 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 ही इसके अंदर रश था, क्योंकि अंदर बहुत ही लोग बैठा हुआ था, और जो बाहर है बाहर भी बहुत सारा लोग वेटिंग कर रहा था टिकट के लिए। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप लोगों को मैं अगर जल्दी आप लोग एयरटेल मेट्रो का मज़ा लेना चाहते हैं, आने के बाद बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग जो मेरिन ड्राइव है उसी तरफ से ना आके आप दूसरी तरफ से आइए। दूसरी तरफ से अगर आएंगे तो आप लोगों को जो एयरटेल मेट्रो है उसका टिकट भी सस्ते में मिल जाएगा, अगर आप लोगों को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और आप लोग जल्दी उसका मज़ा भी ले सकते हैं। जब मेट्रो से उतरने वाला था तो देखा था सब लोग निकल गया था, तो उसी टाइम पे मैं एक वीडियो भी बनाया था जो मेट्रो है उसको एम्प्टी में कितना खूबसूरत लगता है, और जो मेट्रो का डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत तरीका से बनाया गया है, और जो मेट्रो का सीट वगैरह है वो कैसा है देखने में, तो सबका मैंने एक वीडियो अच्छी तरह से बनाया था। तो आप लोग भी देख सकते हैं कितना सुंदर है उसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वगैरह। तो आप लोग अगर मेट्रो चलने के बहुत शौकीन है या फिर मेट्रो चलने में आप लोग अच्छा लगता है या फिर एयरटेल मेट्रो का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आइए आके कोची में आके एक बार एयरटेल मेट्रो का मज़ा लीजिए, वो भी बहुत ही चीप सस्ते रेट में। तो आप लोगों को जो एयरटेल मेट्रो है उसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो एयरटेल मेट्रो है उसका जो इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को कैसा लगा, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोलिए, मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा इस एयरटेल मेट्रो के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटे का बटन है उसको दबाइए, और जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम देखे हो एयरटेल मेट्रो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए।